till now this our center have done 25 surgeries, and in those 21 sleeve gastrectomy, 5 were Roux and Y gastric bypass. This gastric bypass Roux and Y is the our center is the first to start in upper northern India, other than New Delhi. Even before then, Chandigarh and Ludhiana, in Punjab and Haryana, we did the first 4 cases and all are successful. जो 25 केस हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हुए हैं, सबके वेट रिडक्शन है, 5 पेशेंट के डायबिटीज़ यानी शुगर थी वो कंट्रोल हो गई है, हमने उनको 7-8 बार बुला के शुगर लेवल किया है, तो मतलब सबका शुगर की बीमारी ठीक हो गई है और विदाउट एनी ड्रग्स, दे आर नॉट ऑन द ड्रग्स। और 5-6 पेशेंट हाइपरटेंसिव थे यानी कि बीपी ज़्यादा था, नाउ दे आर नॉर्मोटेंसिव मेंटेनिंग देयर नॉर्मल बीपी विदाउट एनी ड्रग्स। ऑल सर्जरी मीन्स लेप्रोस्कोपिकली दूरबीन से हम ज़्यादा करते हैं, लैप कोलिसिस्टेक्टोमी वी हैव डन थाउजेंड्स केसेस, गुर्दे की पथरी वी हैव डन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस पीसीएनएल लास्ट ईयर, क्लेम दैट इन इंडिया नेवर पर्सन आई डिड पर्सनली 800 केसेस ऑफ किडनी स्टोन्स बाय लैप अपेंडिक्सेक्टोमी एंड एनी एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी एंड मीन्स जहाँ दूरबीन जाती है वहाँ हम लोग जाते हैं। Bariatric surgery, there are 2 methods only. One is sleeve gastrectomy and another is Roux and Y gastric bypass. Those methods are medico-legally accepted and both we are doing. You know, it's a reversible, it's truth. But so far, because we did 25 cases, from other centers I am getting some persons, even Patisa was asking that if one person wants to seek, we can reverse anything what they have. But reversal issue is a different, it's not the attained. After attending, you have to maintain. They revise, they seek our center for the revision of the surgery because of any particular problem. They can, but so far we never encountered in our person any problem. But I am having 5 or 6 numbers. They are seeking, they are having some problems. We can revise anytime if they feel comfortable with us. Diabetic, even if they are doing well because they don't need after any drugs. डेली आपको 2 गोलियां लेनी पड़ती हैं, डिस्पाइट दोज ड्रग्स दे आर स्टिल हैविंग हायर ब्लड शुगर, आफ्टर दिस दे आर विदाउट ड्रग्स दे आर डूइंग वेल। वी कीप 3 डेज फॉर पेशेंट फॉर द 3 डेज बिकॉज ऑफ दीज आर द गाइडलाइंस, बिकॉज यू शुड कीप योर पेशेंट 3 डेज एडमिटेड बिकॉज दीज आर गाइडलाइंस, अदरवाइज वी कीप ऑन यू नो वी स्टार्ट ओरल फीडिंग liquids, clear liquids on the first post operative day, next means today I am operating, next day I will start clear liquids means apple juice, coconut water, mineral water, green tea and lemon juice. Sampark 1 saal bypass ke baad 1 saal tak rehna hota hai, sleeve mein aap 2-3 mahine tak baat karte hain, 1 mahine tak hum regular baat karte rehte hain. Main Manpreet Prajapati, Begu Road, Sirsa. मैं मेरा वज़न 100 किलो था, अब मेरा 64 किलो वज़न है। डॉक्टर मोरसन के पास आकर मैंने ऑपरेशन करवाया, अब मेरा वज़न 64 किलो है। मैं यहाँ पर आकर बहुत आभारी हूँ डॉक्टर का, बहुत बहुत शुक्र आभारी हूँ। मेरा नाम अवतार सिंह है जी, मेरा 120 किलो वज़न था, मुझे पता चला डॉक्टर मोरसन हॉस्पिटल में मोटापे की सर्जरी करते हैं, इसलिए मैं वहाँ गया और मैंने अपनी सर्जरी करवाई और मेरे 350 शुगर रहती थी, मेरा बीपी 200 से ऊपर रहता था, अब मैं ठीक हूँ और मेरा वजन भी 30 किलो कट गया है जी, अब मुझे एक नया जीवन मिला है जी। और भी मोटे लोगों को सलाह देना चाहता हूँ जो मेरी तरह मोटे थे वो सर्जरी करा लें और अपनी बीमारियों से निजात पा लें जी। मेरा वजन 170 किलो सेगा जी, तो मेरे पैरों के भी बड़े बड़े जख्म से जी, वो आराम नहीं आ रहे थे किसी पास भी, बठिंडे तो भी सारे कितों में दवाई ले रही थी कि कितों नहीं हो होया, तो उस बाद मैंने सर्जरी का पता लग्या, मैं डॉक्टर साहब को आया सर्जरी करी, हूँ मेरे पैर भी सही है, तो मैं नशा भी खाता सीगा जी भुक्की, तो हूँ मैं भुक्की भी छट गया जी। ये मेरे मिसिज हैं, मैं नरेश कुमार प्रजापति बेगू रोड सिरसा का रहने वाला हूँ और ये ऑपरेशन से पहले काफ़ी मोटी थी, इसका वजन था 1 क्विंटल 5 किलो और इससे बैठने उठने में बड़ी दिक्कत होया करती, बाथरूम में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ये बैठ नहीं पाती थी पैरों के वजन, और अब ये बिल्कुल बैठ उठ सकती है और बिल्कुल खुश है और अब इसका वजन लगभग 63-64 किलो रह गया है, नया जीवन है जी। और ये डॉक्टर विनय ने मोर सिंह हॉस्पिटल में हमें नया जीवन मिला है।
मैं आजकल ये इस व्हाट वी डिजर्व एंड पुटिंग अहेड सिरसा अहेड ऑफ चंडीगढ़ मेकिंग इज आल्सो बेटर वे टू रिप्रेजेंट आवर मीडिया पर्सन। ये हमारा जुनून है, ये मेरे बेटे हैं, इनका और जुनून है। बारियाट्रिक सर्जरी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, हर कोई नहीं करा सकता। हमारे पाठी साहब जो हैं रेलियो गुरुद्वारा साहब में, वो एक दिन विनय के पास आए और उन्होंने कहा भाई सर्जरी तो मैं कराना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, विनय ने कहा भाई ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मैंने कहा पाठी साहब आप बस गुरुद्वारा साहब में सेवा करते रहिए, सर्जरी कर देंगे, वाहिगुरु अपने आप पैसे भेज देंगे। और ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड, नोबडी हैज डन बारियाट्रिक सर्जरी फ्री टिल टुडे, क्योंकि इसकी कॉस्ट आती है 70 से 80 हज़ार रुपये। जो मेरे कहने का मतलब है, मेरे सन इन लॉ का जुनून है भाई, हम जैसे गुर्दे की पथरी के ऑपरेशन करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट जो है मालरोटेटेड किडनी है, हॉर्स शू सेप्ड किडनी है, हर कोई एंडो यूरो सर्जन डेयर नहीं कर सकता उस सर्जरी को करने के लिए, मेरे सन इन लॉ करते हैं। परसों ही पेशेंट हमारे मानसा से आया, परसों क्या इन्होंने परले दिन आया था, स्टोन जो है पेशाब की नलकी में आके द्रव विनय गए, स्टोन को निकाल के कैथेटर डाल दिया। अब उसको हॉर्स शू सेप्ड क्या होती है, दोनों किडनी फ्यूजन हो जाती है, ऐसे घोड़े की नाल की तरह किडनी हो जाती है, उसमें स्टोन बनने के बड़े चांस होते हैं। उसको ऊपर भी इतना बड़ा स्टोन है, वो जो लेडी अकेली लेडी उसकी वाइफ, वो कहने लगी जी मेरे घर में मेरे जो कान के बाले हैं वो बेच के मैं आपके पैसे ला के दूँगी। मैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, तुम ये ऑपरेशन क्या, इस ऑपरेशन के तो पैसे नहीं है हमारे पास, 2000 रुपये रंगीन एक्सरे के लगते हैं। मैंने रेडियोलॉजिस्ट को बोला भी ये तो फ्री करो, हम ये फ्री करेंगे। बोले जी आप कहाँ से लाते हो पैसे, मैंने कहा पैसे ऊपर वाला भेजता है, वाहिगुरु भेज देता है, सिम बोले भेजते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस है 40 साल का, अब तक भेज रहा है।